एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा मॉइस्चराइजर शेयर करने वाली हूँ। ये जो मॉइस्चराइजर है, एक्चुअल में ये जिस ब्रांड का है, ये ब्रांड जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना, वो इस ब्रांड को रिकमेंड करते हैं। तो ऑब्वियस है ये ब्रांड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मॉइस्चराइजर सेटाफिल का। एक क्रीम फॉर्म में है, एक लिक्विड फॉर्म में। मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके शेयर करूंगी, ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी, आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी, बताऊंगी कि ये मॉइस्चराइजर किन स्किन टाइप के लिए बेस्ट है, ये आपकी स्किन को क्या इफेक्ट देता है, ये आपकी स्किन के लिए क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है। सो चलो, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेटाफिल के इस क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर के बारे में। देख सकते हैं ये ऐसे कुछ ट्यूब पैकेजिंग में आता है। इसका नाम है सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये ड्राई टू नॉर्मल स्किन, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। ये आपकी स्किन को 48 आवर्स तक मॉइस्चर जो है वो प्रोवाइड कराता है एंड हेल्प्स रिस्टोर द स्किन मॉइस्चर बैरियर। मतलब आपकी स्किन में अगर मॉइस्चर की कमी हो चुकी है तो स्किन में उस मॉइस्चर को दोबारा रिटेन करने में आपको हेल्प करता है। इन्होंने इस मॉइस्चराइजर के टॉप पे लिखा है कि ये डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा रिकमेंडेड है स्पेशली फॉर द सेंसिटिव स्किन। सो बात कर लेते हैं इसके टेक्सचर के बारे में। सो इसका जो टेक्सचर है काफ़ी थिक क्रीम जैसा है। गाइज, मैंने इसे ऑलरेडी काफ़ी यूज़ किया है, देख सकते हैं ऑलमोस्ट मैंने इसे ख़त्म ही कर दिया है। पूरा यूज़ करने के बाद मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। सो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ अपने बैक ऑफ द हैंड में। सो सी द टेक्सचर, काफ़ी थिक क्रीम बेस्ड ये मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है, ईजिली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। गाइस, मैंने इस मॉइस्चराइजर को यूज़ करने से पहले ना बहुत सारे मॉइस्चराइजर जो है यूज़ किए हैं, उन्होंने ना मेरी स्किन में कोई ना कोई रिएक्शन जुड़ गया। कभी मेरे पिंपल्स हो जाते थे, कभी मेरी स्किन में मुझे इचिंग सी होने लगती थी। जब से मैंने इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना स्टार्ट किया है, अब मुझे कोई भी पिम्पल्स की प्रॉब्लम नहीं हुई है इसके साथ, कोई भी मुझे इचिंग फील नहीं हुई। बहुत ही अच्छे से ये मेरी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा जो लेयर अप्लाई भी की हुई है। फ्रेग्रेंस फ्री ये मॉइस्चराइजर है, डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड प्रोडक्ट है। आप कह सकते हैं कि ये सबसे सेफ मॉइस्चराइजर है। अगर फिर भी अगर आप न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना, देन आप पैचेस कर सकते हैं। वैसे आपको आई एम श्योर इसके साथ कोई भी एलर्जी नहीं हो, क्योंकि ये स्पेशली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ही बना है। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो ये 80 ग्राम की ट्यूब है, इसका प्राइस है 465 रुपीज। मतलब ये बजट फ्रेंडली भी है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अगर आपको इसमें बड़ी पैकिंग खरीदनी है तो ये एक टब फॉर्म में भी आती है, आप वो भी परचेज कर सकते हो। 900 के अराउंड उसका जो प्राइस है, बहुत ही अच्छे वाला ये मॉइस्चराइजर है। इसको आपको यूज़ कैसे करना है, काफ़ी जेनरसली अमाउंट लेनी है, अपने फेस और नेक पे इवनली अप्लाई कर लेना है, देन अच्छे से अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करना है इन सर्कुलर मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स। इन्होंने ट्यूब के फ्रंट पे या नीचे शो किया हुआ है कि ये डिफेंड करता है अगेंस्ट 5 साइंस ऑफ स्किन सेंसिटिविटी। वो 5 साइंस ऑफ स्किन सेंसिटिविटी कौन सी हैं? वीकेंड स्किन होगी, मॉइस्चर बैरियर हो गया, मतलब आपके मॉइस्चर के बैरियर को इम्प्रूव करता है, रिपेयर करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, इरिटेशन नहीं फील होने देता, रफनेस को ठीक करता है। मतलब आप इसे डे एंड नाइट दोनों में यूज कर सकते हो आफ्टर क्लेंजिंग योर फेस प्रॉपरली। ये आपके फेस और आपकी बॉडी दोनों के लिए बनी है। आप इसे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, अपनी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई भी एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है, ये आपके पोर्स को भी क्लोग नहीं करता है। काफ़ी अच्छा, ये बेस्ट वाला मैं कह सकती हूँ, ये बेस्ट एंड बेस्ट मॉइस्चराइजर है अब तक का। आजकल जो स्किन डॉक्टर्स हैं जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, वो स्पेशली इसी मॉइस्चराइजर को उन्हें यूज़ करने के लिए रिकमेंड करते हैं। सेटाफिल ने ना अपनी वाइड रेंज जो है मार्केट में लॉन्च की हुई, इनके और भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर भी हैं, क्लेंजर्स भी हैं। इनका क्लेंजर एक अपने देखा होगा, पम्प बेस्ड ब्लू कलर का क्लेंजर है, काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही माइल्ड सा क्लेंजर है। मतलब इनकी जो पूरी रेंज है उसमें नाइट क्रीम्स भी हैं, क्लेंजर्स भी हैं और मॉइस्चराइजर्स भी हैं,
पूरी ये सेटाफिल जो ब्रांड है इनके सारे ही प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो आई एम डेफिनेटली रेकमेंड दिस मॉइस्चराइजर टू यू गाइज जिनकी स्पेशली सेंसिटिव स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है, वो इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई करके डेफिनेटली एक बार देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है ये वाली क्रीम। सो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सेटाफिल लोशन के बारे में। ये तो थी पहले जो मैंने बताई वो क्रीम थी, ये है सेटाफिल लोशन। ठीक है गाइस, प्लीज़ इग्नोर द फ्रंट, यहाँ पे जो बार कोड लगा हुआ है मैंने इसे उतारने की कोशिश की थी बट इसके साथ ऊपर का कवर भी रिमूव हो रहा था। पता नहीं इन्होंने फ्रंट पे क्यों लगाया है, कंपनी वालों ने, इनको नीचे लगाना चाहिए था। देखने में प्रोडक्ट यार अच्छा लगना चाहिए ना, ऐसे प्रोडक्ट का मज़ा सा नहीं आता। सो ओके इग्नोर दिस, ये है सेटाफिल का लोशन, मॉइस्चराइजिंग लोशन। इसमें और क्रीम में बहुत माइल्ड सा डिफरेंस है। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। 100 ml का ये प्रोडक्ट है, इसका प्राइस है 486 rupees, 3 ईयर की इसकी सेल्फ लाइफ है। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ, ये ऐसे इजीली ओपन हो जाता है। टेक्सचर वाइज ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, क्रीम के मुकाबले में ना ये उससे ज़्यादा लाइट है। क्रीम जो है वो ऑब्वियसली क्रीम है तो थिक होगी, सो ये लाइट वेट लोशन फॉर्म में है। सो मतलब ये ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं, जिनकी माइल्ड ऑयली स्किन है ना वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। गाइज अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट क्लेम क्या करता है। ये क्लेम करता है कि ये 48 आवर्स तक आपके फेस में हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन में। ये भी फेस और बॉडी दोनों के लिए ही बना है, आप इसे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसे अपनी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है, ये नॉन इरिटेटिंग है। प्लस ये आपके पोर्स को भी क्लोग नहीं करता है, मतलब जो प्रोडक्ट्स आपके पोर्स को क्लोग करते हैं ना उसकी वजह से आपके स्किन में एक्नेज आते हैं, एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं। मतलब इसमें इन्होंने क्लेम किया है कि ये आपके पोर्स को क्लोग नहीं करेगा, जो कि गुड पॉइंट है इस मॉइस्चराइजर का। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये नॉन ग्रीसी लाइट वेट लोशन है, इसमें एवोकाडो ऑयल यूज किया हुआ है, विटामिन ई एंड B3 यूज किया हुआ है। क्लिनिकली टेस्टेड ये प्रोडक्ट है, फुल्ली रिस्टोर द स्किन मॉइस्चर बैरियर इन जस्ट 1 week। इन्होंने क्लेम किया है कि ये सिर्फ 1 week में ही अगर आपके स्किन में मॉइस्चर की कमी हो गई है उसको दोबारा से रिटेन करने में हेल्प करता है। ये डेफिनेटली इनका ये जो क्लेम है बिल्कुल सही है। मैंने 1 week इसे रेगुलरली यूज़ किया है, मेरी स्किन ना इसे यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्लम्पी और हाइड्रेटेड विजिबल होने लगी। मतलब फेस वॉश करने के बाद पहले स्किन जो है वो ड्राई लगती थी, अब फेस वॉश करने के बाद स्किन जो है उतनी ड्राई फील नहीं होती है। मतलब आप इसे डे में भी यूज कर सकते हो, आप इसे एज अ नाइट क्रीम भी यूज कर सकते हो। प्लस ये हाइपो एलर्जिक लोशन है, मतलब अगर आपको सन से भी एलर्जी है तो आप इस क्रीम को अप्लाई करें तो ये आपको उससे भी प्रोटेक्ट करेगी। प्लीज नोटेड दैट मैं आपको यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये आपको सन रेज से प्रोटेक्ट करेगी, ये सिर्फ आपकी एलर्जी को रोकने में हेल्प करेगी, कोई भी सन प्रोटेक्शन आपको नहीं देगी। तो जैसे इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं देता, ऑयली फील नहीं देता, सो मैं आपको चेक करवा देती हूँ। सी प्रोडक्ट ऐसा है देखने में कुछ, इसे अगर आप अप्लाई करेंगे काफ़ी लाइट वेट, कोई भी चिपचिप सी फील नहीं होती है। आपको ना बहुत ज़्यादा अमाउंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक थोड़ी सी अमाउंट के साथ ही आपका पूरा फेस जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाता है। स्किन में अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन को काफ़ी सूदिंग से बना देता है ये वाला मॉइस्चराइजर, बहुत ही अच्छा है। आई एम डेफिनेटली रिकमेंडेड दिस मॉइस्चराइजर टू यू गाइज। सेंसिटिव स्किन वाले हो, माइल्ड जिनकी ऑयली स्किन है वो भी इसे अप्लाई कर सकते हो, ड्राई स्किन वाले तो ऑब्वियस है वो कर ही सकते हो। गाइज इसका बेस्ट थिंग ये है कि ये ओल स्किन टाइप है, चाहे आपकी ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली स्किन है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसे विंटर्स में यूज करें। जिनकी काफी ज्यादा ड्राई स्किन है वो इसे समर्स में भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा लोशन है ये। सो मैंने ऑलमोस्ट इन दोनों के बारे में पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर फिर भी कोई भी आपके मन में डाउट है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको इसे लगाना कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया है। फेस को अच्छे से क्लीन करें, देन आप अपने फेस को टोनर अप्लाई करना है वो अप्लाई करें, देन अपने फेस को इस मॉइस्चराइजर के साथ अच्छे से मॉइस्चराइज करें। आफ्टर दैट उसके ऊपर आपको सन प्रोटेक्शन लेयर देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसे बिल्कुल भी मिस
नहीं कर सकते, ठीक है। इसके ऊपर आपको SPF ज़रूर लगाना ही लगाना है। सो वीडियो को बस करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी होगी देन प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाली न्यू वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।